एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। उस जंगल में मोर मोरनी हंसी खुशी बड़े ही आराम से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के बहुत सारे मोर रहते हैं, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, हम यहाँ कितने आराम से रहते हैं, हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ चलने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था, क्योंकि उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ पाना। वह राजा सभी पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ पाता था। दोनों मोर मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मुझे भोजन करा दीजिए। रानी राजा के लिए रसोई में जाकर एक थाली में दाल और चावल लेकर दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के पास पहुंचती है। और रानी जैसे ही खाने की थाली राजा के पास रखती है तो थाली से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे चींटियां घूम रही थीं, तो उनमें से एक चींटी उस चावल के टुकड़े को लेकर जाने लगती है। राजा बैठा इस सारी घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा उठाकर ले आओ। उन दोनों की बातों को राजा अच्छी तरह सुन रहा था, क्योंकि वह राजा हर पशु पक्षियों और जीव जंतुओं की भाषा समझता था। चींटी ने चींटे से कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, अगर राजा को इस बात का पता चल गया तो राजा मुझे मार डालेगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी जाने की कोशिश तो करती है लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात की शंका हो जाती है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है, राजा ने हमारी बात सुन ली है, इसलिए राजा हम दोनों को देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और अगर राजा यह बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटे की इस बात को सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को अकेले हंसते हुए देखकर रानी रसोई से बाहर आती है तो राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा जी को हंसी आ रही है। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है जो आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। लेकिन रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन
रानी बार बार जिद करती है और कहती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा को कुछ समझ नहीं आता है और राजा सोचता है कि अब यह बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर मैं यह बात रानी को नहीं बताऊंगा तो रानी का मेरे ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। अब राजा को रानी के हट के आगे झुकना पड़ता है, क्योंकि बालहट और त्रियाहट दोनों के आगे अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। अब राजा रानी को कहता है कि ठीक है, लेकिन सुनो रानी, अगर यह बात मैं तुमको बताऊंगा तो तुमको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है कि जरूर कोई रहस्य की बात है, इसलिए रानी अब और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में चलकर यह बात बताऊंगा। अब राजा और रानी दोनों रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों एक घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं तो अब राजा रानी को सारी बातें सुनाने लगता है। जैसे जैसे ही राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाता रहा, वैसे वैसे राजा पत्थर का बनता चला गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो वह आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी को कहता है, हे रानी, मैं आधा पत्थर का हो गया हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, हे महाराज, अब तो थोड़ी सी बात और बची है, वो भी मुझे सुना दो। राजा रानी को पूरी बात बताता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की इस जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। अब रानी घबराकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी उस पत्थर को इधर उधर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भारी पत्थर को कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा हट्टा कट्टा था। उधर राजा पत्थर का हो गया और उधर रानी जमीन पर सर पटक पटक कर रोने लगती है और सहायता के लिए इधर उधर देखकर जोर जोर से आवाज लगाती है। इस घटना को मूर और मूरनी दोनों देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मूर मूरनी को रानी पर दया आती है और मूर मूरनी से कहता है कि हे प्रिय, यह होता है त्रियाहट, तुम्हारे भी इसी हट के कारण हम यहाँ आ गए, वहां पर हम कितने खुशी खुशी रहते थे। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, यह कितना विलाप कर रही है, इसकी और मदद तो हम कर ही क्या सकते हैं, इसको हम हिम्मत तो बंधा ही सकते हैं। अब दोनों रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी, जो आपके साथ हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज धरिए और अपने आप को संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, अब राजा तो पत्थर का हो चुका है और आपके राज्य को आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब पत्थर के बन चुके हैं, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनकर मोरनी कहती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी मोर मोरनी को वही चींटी और चींटे वाली बात बताती है। जैसे जैसे रानी वह बात बताती है, वैसे वैसे रानी पत्थर की होती चली जाती है। जैसे ही रानी ने पूरी बात बताई और रानी पूरी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी सोचते हैं कि यह नौबत हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उस चींटी चींटे की बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी इस बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, यह विपत्ति हम पर भी मंडरा रही है, क्योंकि स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पियाजी, हम कहीं दूर चलें क्या।
मोर ने कहा, प्रिय दूर जाने से क्या फायदा है, यह खतरा तो हम धरती के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो भी हमें नहीं छोड़ेगा, यह तो हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। अब इस बात से मोर मोरनी दोनों चिंतित रहने लगे। न तो अच्छी तरह से वे खाना खाते, न अच्छी तरह से वो रहते। दोनों को यह चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। अब मोर के दिमाग में एक विचार आया कि यदि मैं इन सारी चींटियों को खत्म कर दूं, तो यह विपत्ति भी टल सकती है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम दोनों इस सृष्टि से सारी चींटियों को ही खत्म कर दें, तो हमारा यह संकट भी मिट जाएगा। मोर मोरनी इस बात से दोनों सहमत हो जाते हैं। मोर मोरनी सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अब मोर मोरनी का इतना आतंक मच गया कि चींटियां मोर मोरनी को देखते ही इधर उधर भागने लगती हैं और बिल खोदकर जमीन में उतर जाती हैं। मोर मोरनी दोनों इतना ध्यान रखते कि जिधर भी चींटियां दिखाई देती तो उनको तुरंत दबोच लेते। चींटियां उनके डर से बिल से बाहर भी नहीं निकलती, बिल के अंदर ही छुपी रहती। अब चींटियां भूखे मरने लगी क्योंकि भोजन तो बिल के बाहर ही मिलता है। अब जैसे ही चींटियां भोजन के लिए बिल के बाहर निकलती तो मोर मोरनी उनको मारकर खा जाते। अब एक चींटी और चींटा बिल के अंदर भूख से तड़पते हुए भगवान विष्णु का जाप करने लगे और भक्ति में दोनों इतने लीन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहां पर हैं और कैसे हैं। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। दोनों ने निराधार भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। अब चींटी और चींटा न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, इसलिए दोनों एक ही बात कहते हैं, हे श्रीहरि, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बिल से बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु उनकी यह बात सुनकर बोले, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। अब चींटी और चींटा भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर मोरनी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही हमें मारकर खा जाएंगे। भगवान विष्णु चींटी और चींटा मोर मोरनी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों को मारकर खाना बंद करो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की भाषा समझता था। उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। वह पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था और जब वह रूप धारण किया करता था तो उनके साथ रमण भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता था। उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था कि इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बना पड़ा है। मोर भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, इसमें रानी का क्या दोष है? भगवान विष्णु ने कहा, रानी भी राजा के पाप की भागी है, क्योंकि रानी अगर राजा को रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए वह भी पाप की भागी है, इस कारण वह भी पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर चींटा चींटी की इस बात को हम दूसरों को कहेंगे तो हम भी क्या पत्थर के बन जाएंगे? भगवान विष्णु बोले, चींटी और चींटा का यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, अब इस बात का कोई असर नहीं होगा। यह बात अब तुम किसी से भी कह सकते हो। अब मोर
और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी अंतर ध्यान हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगता है। खूब नाचने के बाद मोर नीचे अपने पैरों को देखता है और रोने लगता है कि मेरा शरीर तो कितना सुंदर है और मेरे पैर फटे हुए हैं, क्योंकि दोनों ने चींटियां खाई थी इसलिए मोर मोरनी के पैर फट गए। अगर इंसान भी चींटियों को खा जाता है तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और शरीर फटने लगता है। मोर जोर जोर से नाचता और अपने पैरों को देखकर रोता। मोर की आंखों से आंसू बहते तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती और उन आंसुओं को अपनी चोंच से पी जाती। इस तरह से हर बार मोर जोर जोर से नाचता और रोता तो मोरनी मोर के आंसुओं को पी जाती। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने फिर दोबारा उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा यह प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, तुम धन्य हो। अब यह भगवान का आशीर्वाद है या श्राप? मोरनी मोर के आंसुओं को पीने से गर्भवती होती है।